हुआ, ये मैं आपको वादा करता हूं। और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला, जरा सुन लो, सुप्रीम कोर्ट का फैसले को पढ़ो, पढ़े लिखे बच्चों। अगर आप उसके पक्ष में नहीं हो तो मैं भी आपके साथ हूं, पर सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि डॉक्टर किरोलियाल डॉक्टर बन गया, उसका भाई आरएस से आईएएस बन गया, डॉक्टर किरोलियाल एमएलए बन गया, एमपी बन गया, मंत्री बन गया, तो और का तो नंबर आप ये बहन बेटी बैठी है, दूध को पकाती है जब ऊपर क्रीम आ जाती है, क्रीम जिसको हमारे उधर थर कहते हैं, थर, जो आरक्षण का फायदा उठाकर जो थर को खा रहे, थर को, मलाई को। आप कभी मेरे गांव आना, मेरे गांव में मेरा टूटा घर था, मेरा घर दोगुना हो गया, पक्का बन गया, मेरे भाई नौकर हो गए, मैं हो गया, बेटा भतीजा एमएलए हो गया, लेकिन मेरे बगल में एक 35 साल से एक व्यक्ति पहाड़ में पत्थर निकाल के अपना जीवन यापन कर रहा है, उसका सारा हक किरोड़ीलाल ने छीन लिया, मेरे पड़ोसी को नहीं मिल रहा। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस गरीब को मिलो जो पिछड़ गए, यह सुप्रीम कोर्ट की भाषा है। अब पेट में दर्द किसके है, पेट में दर्द किरोड़ीलाल, नमो नारायण, हरीश, मुरारीलाल, जसकौर, रामकिशोर, इनके है, बुरा नहीं है। जब मेरा अधिकार कटेगा तो मैं चिल्लाऊंगा ही, इसलिए चिल्लाने वाले वो है मेरे भाई जिनकी थप पापड़ना के करीब व्यक्ति को, किसान को मिल रही है। ये बात मैं आपको इसलिए सुना रहा था कि सुप्रीम कोर्ट नहीं भी कहे, सुप्रीम कोर्ट को आप किनारे रख दीजिए, मगर मुझे लग रहा है कि इस स्थिति में हम आ गए हैं कि गांव गांव में अगर समाज इतना ही जरूरी है, जाति इतनी ही मजबूत है, तो गांव गांव में पंचायत हो जो सक्षम है वो आरक्षण छोड़ के गरीब जिन्हें जरूरत है उन्हें आरक्षण का लाभ दे। सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही क्यों है, आपकी तीन पीढ़ी आरक्षण ले चुकी तो आप अपने गरीब भाई को दे दो, जरूरत पड़े तो आरक्षण की सीमा को 80% तक बढ़ा दो, मगर समाज में जो पैसे वाले हैं, पहुंच वाले हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि अपने ही समाज के किसी गरीब व्यक्ति को इसका लाभ मिले। दरअसल समस्या यही है, अगर जरूरत पड़े तो आरक्षण की सीमा 50% से आगे बढ़ा दी जाए, मगर देश में जो वंचित रह गए हैं उन्हें हक मिलना चाहिए, क्योंकि आजादी के 50 साल कब के हम पूरे कर चुके हैं। मैं कुछ दिन पहले, एक रामावतार मीणा अधिकारी हैं, उनके भाई ने एक एनजीओ बना रखा था, कुछ दिन पहले मैं बहुत सारे इलाकों में गया, सवाई माधोपुर, करौली, बस्सी, और एक न्यूज़ बनाई थी, एक घर वाली एक बाहर वाली, जिसमें बड़े बड़े आईएएस अधिकारी थे, मुझे याद आ रहा है सीएम मीणा, राधेश्याम मीणा, गोपाल मीणा, बहुत सारे, क्योंकि 10-12 साल हो गए। मैं उनके घर गया, उनकी पत्नी किस तरह से, नई पत्नी जो दूसरी जाति की थी, वो लॉन में उनके साथ चाय पी रही थी, उन्हीं की पहली पत्नी गांव में कोई बकरियां चरा रही थी, कोई खेत को पानी दे रही थी। गोपाल मीणा की पत्नी का तो आज तक मुझे दर्द याद है, जो बताने लगी उनके आंख में आंसू आ गए कि मैंने बचपन में, मेरी शादी हो गई थी, मैं मजदूरी करके उसे पढ़ाया था, मगर बाद में मुझे पता चला कि जो अधिकारी के भाई थे जिन्होंने ये न्यूज़ हमसे करवाई थी, वो डरे मारे फिर रहे थे, समाज के लोग उनसे नाराज हो गए। अब बताइए किसके हक में खड़ा होना चाहिए थे समाज को, उस गरीब महिला के जिसके हक मारा गया, संपन्न होने के बाद वो गरीब महिला पत्नी के रूप में अच्छी नहीं लग रही थी। उस समय के समाज कल्याण मंत्री थे कनकमल कटारा, मैं उनके यहाँ गया
और जानकर आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा कि मैंने भी दो तीन कर रखी है। हम कहें क्यों, तो पहले वाली को हवा आती थी। हम कहें हवा क्या चीज होती है, तो बाद में पता चला कि वो भूत आता था। गजब हाल है यार, बेटी के बाप होने का दर्द आप समझिए। ये बात मैं इसलिए समझा रहा था कि संपन्न होने के बाद आप नया सामंत बन जाते हैं उसी जाति में। अब ये EWS का आरक्षण हुआ, अभी संवैधानिक है गैर संवैधानिक है उस पर बहस हो सकती है, मगर अशोक गहलोत ने इतना बड़ा पाप किया कि उसमें तमाम बाध्यताएं जो थी, जो गरीब व्यक्ति आरक्षण ले सकता था अगड़ी जाति के, वो सारी बाधाएं हटा दी और धर्मेंद्र राठौड़ जैसे और अमीर ब्राह्मण और राजपूत लोगों ने जश्न मनाया कि अशोक गहलोत ने सरलीकरण कर दिया, नियम बदल दिए हमारे लिए। अरे जाकर देखो किस तरह से क्रीमी लेयर लागू ना होने की वजह से गरीबों के आर्थिक दृष्टि से गरीबों के बच्चे नहीं शामिल हो रहे हैं, बल्कि उनके बच्चे शामिल हो रहे हैं जिनके जयपुर में मकान हैं। वो आर्थिक रूप से गरीब बच्चों के साथ पाप था जो वोट के लिए किया गया, और ये वोट परेशान करने वाला है। अब बताइए OBC में तो क्रीमी लेयर लागू है, क्या उनका आरक्षण खत्म हो गया है क्या? जो SC ST में लागू हो जाएगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा? ये बेहुदा बहाना वही दे रहे हैं जो नहीं चाह रहे हैं कि उसी समाज के गरीब व्यक्ति को हक मिले। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि OBC में क्रीमी लेयर है तब भी जो जाट हैं, माली हैं, गुजर हैं, इन सबको अपने गांव में पंचायत करनी चाहिए और ये फैसला लेना चाहिए कि जो आरक्षण का एक पीढ़ी दो पीढ़ी तक लाभ ले चुका है वो छोड़े और समाज का दूसरे व्यक्ति लें। मगर ये कहने का साहस अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा में है तो यही बाबा को दूसरे नेताओं से अलग बनाता है। मैंने देखा था किस तरह से गरीब ब्राह्मण जब सपोटरा में जला दिया गया था तो बाबा उसके लिए दिन भर बैठे रहे उसका शव लेकर, एक दूसरे गरीब ब्राह्मण का शव लेकर जयपुर तक आए। बात जातियों का नहीं है, लोग कहते हैं किरोड़ी जातिवादी है, मगर काम करने का ढर्रा देखकर और सुनकर ऐसा लगता है कि इस नेता में सच कहने का साहस है, जिसकी वजह से जिन परिस्थितियों में हम रह रहे हैं उसमें दुश्मन ज्यादा पैदा होते हैं। मगर सच तो सच होता है, आज जातिगत विद्वेष के आधार पर हम इतना बढ़ चुके हैं कि झुंझुनू में शेखावटी का वो इलाका है जहां पर एक जाट लड़के ने राजपूत लड़की से शादी कर ली, घर में घुसकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर एक दूसरे जाति के लिए इतना वैमनस्यता परोसते हैं कि दुराव इतना ज़्यादा हो गया है कि शादी के बंधन में भी लोग गोली से भून दे रहे हैं, काट डाल रहे हैं। जातिगत कीड़े ज़्यादा सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, यहाँ तक कि विनेश फोगाट के मामले में जिस तरह से पक्ष और विपक्ष में लोग सोशल मीडिया में बटे हुए थे, जी कर रहा था कि सोशल मीडिया पर पाबंदी ही लग जाए तो बेहतर है। मगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जब ये बोल रहे थे तो समझना चाहिए कि उनको ये साहस उनकी जनता की तरफ से आता है। उन्होंने कहा कि भजन लाल शर्मा के सरकार में हम इस्तीफा दे दिए क्योंकि आप लोगों ने हमारी बात नहीं मानी थी, मगर उनकी यही ताकत है कि भजन लाल शर्मा उनके इस्तीफे को स्वीकार करने का साहस नहीं कर रहे हैं। BJP के इतिहास में ऐसी पहली घटना होगी, वरना यहाँ कहा जाता है कि तुर्रम खां कोई नहीं है, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, चट इस्तीफा दो और पट स्वीकार हो जाता है। मगर ये बाबा की ताकत ही है कि उनके इस्तीफे के को हाथ लगाने की हिम्मत BJP में किसी को नहीं हो रही है और सब इसी इंतजार में बैठे हैं कि बाबा किसी दिन तो मानेंगे। चुनावी सफलता मिलनी नहीं मिलनी ये बहुत सारी बातों पर निर्भर है, पूरे देश के मसले को लेकर, पूरे राज्य के मसले को लेकर, पेपर लीक को लेकर वो लड़ रहे थे, कोई सवाई माधोपुर के लड़कों के पेपर लीक के मसले को लेकर नहीं लड़ रहे थे। इसलिए
इसे चुनावी लड़ाई से जोड़ना अलग है, मगर सच कहने का अगर साहस है तो फिर वही संख्या में लोग आए थे बांसवाड़ा में, जहां पर राजकुमार रोत भी आज बदले बदले अंदाज में नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि भील प्रदेश हमारी मांग है और इसे हम बना कर रहेंगे। यहां तक कहा कि जो हाईवे किनारे पत्थरबाजी होती है उस पर पुलिस कड़ा एक्शन ले, आपस में भी नशापत्ती और पत्थरबाजों पर पुलिस एक्शन ले। इस भील प्रदेश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी भी समाज का हो वो हमारा है, क्योंकि जल जंगल जमीन से उसे भी फायदा मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि आज उनका भाषण बहुत एक समावेशी था और वो चाह रहे थे कि यहाँ पर रहने वाला हर व्यक्ति हमारी मांग से सहमत हो और इसीलिए इस तरह का भाषण दे रहे थे। हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा जिस बारे में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कह रहे थे, वो बात राजकुमार रोत ने भी कही कि सूट बूट पहन लेने वाले, सरकारी सीट पर बैठ जाने वाले कह रहे हैं कि हमें आमंत्रण नहीं मिला है। बताओ, अपने समाज में आने के लिए भी आमंत्रण मिलता है? वही बात डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी कह रहे थे कि आप एक ओहदे पर बैठ जाते हो तो फिर उस जाति में नए सामंत बन जाते हो। अब देखिए, लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, छुआछूत तो रहता ही है। बाबूलाल नागर जेल में थे और लोग जो दूदू के होंगे वो जानते होंगे, एक रोबीला ठाकुर साहब है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, रघुराज प्रताप सिंह, जो अच्छे दिनों में मुझे बाबूलाल नागर ने मिलवाया था। जब वो जेल गए तो उनके घर पर सोफा पर वही लेटे रहते थे और उनका टिफिन लेकर वही जाते थे ठाकुर साहब। बाबूलाल नागर दलित हैं, तो पैसा हो और पहुंच हो तो फिर ये छुआछूत भी किनारे रह जाता है। बहुत सारे आईएएस अधिकारियों को मैंने देखा है जो मेरे मित्र हैं, जो आईएएस बन गए तो उनकी पत्नियां ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, मगर क्या कोई गरीब दलित से शादी कर रहा है? नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि सबको हक मिलना चाहिए और बराबरी तभी पैदा होगा जब समानता के अधिकार पर सबको हक मिलेगा। राजकुमार रोत क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। कुछ बड़े नेताओं का, कुछ हमारे समाज का सर्टिफिकेट लगा के नौकरी लग गए, बर्ती पहन ली, वाइट ड्रेस पहन ली, वो कहते थे हमको निमंत्रण दिया है। मैंने कहा भाई मेरे या किसी की शादी नहीं है कि निमंत्रण भेजेंगे। हमारे पुरखों के संघर्षों की वजह से, हमारे पुरखों के लोकतांत्रिक गणराज्य व्यवस्था की वजह से ये दिवस घोषित किया गया है। ये हमारा सबका दिवस है, ये किसी एक का कार्यक्रम नहीं है, ये हमारा सबका कार्यक्रम है। हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम विवेक से, हम स्वेच्छा से आए इस दिवस को धूमधाम तरीके से मनाएं। ये मैं आपको इसलिए सुना रहा था कि कहने का अंदाज अलग था, मगर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और राजकुमार रोत दोनों एक ही बात को अलग अलग तरीकों से कह रहे थे। खैर, लौटते हैं तो आदिवासी दिवस की बात हो गई, मगर अक्टूबर में चुनाव है और 6 विधानसभा उपचुनावों को लेकर अभी गहमा गहमी ज्यादा शुरू नहीं हुई है। हालांकि हो सकता है कि निजी यात्रा पर भी गए हों गोविंद सिंह डोटासरा, मगर ये कयास लगाए जाने लगे कि गोविंद सिंह डोटासरा गए हैं 2 दिन के लिए दिल्ली यात्रा पर, तो क्या पता उपचुनाव को लेकर बातचीत करने गए हों, किसी वेणुगोपाल से मिलें या रंधावा से मिलें। हालांकि पीसीसी की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है। कहा जा रहा है बहुत दिन हो गए उतने दिल्ली गए हुए, इसलिए गए हुए हैं क्योंकि सचिन पायलट भी विदेश यात्रा पर हैं और अशोक गहलोत फिलहाल स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उधर बीजेपी में सारा फोकस फिलहाल अब इस बात को लेकर है कि केसी वेणुगोपाल के लोकसभा सीट जीतने से जो राज्यसभा की सीट राजस्थान की खाली हुई है उस पर कौन जाएगा। अब देख, कायदे से केसी वेणुगोपाल को लोकसभा चुनाव लड़ना था तो राज्यसभा में जयपुर से, राजस्थान से नहीं जाना चाहिए था। 1-2 सीटों की लड़ाई है वहां पर राज्यसभा में, वो भी कांग्रेस के हाथ से जाती रही। कहा जा रहा है कि वक्फ वाला जो बिल है जो जेपीसी को भेजा गया है, वो इसलिए भेजा गया है कि अभी भी
राज्यसभा में बीजेपी को बहुमत कम है, जो सितंबर के बाद आ जाएगा और दो ज़्यादा रहेगा, चार अगर मनोनीत हो जाएंगे तब तक राज्यसभा में, तो सितंबर के बाद इस बिल को पारित कराने में दिक्कत नहीं होगी। मगर राज्यसभा की सीट इसीलिए महत्वपूर्ण है, अब किसी भी वेणुगोपाल तो चले गए, मगर अब चूंकि बीजेपी सत्ता में आई है और संख्या इनकी ज़्यादा है, तो एक सीट पर चुनाव है, तो इन्हें ही जीतना है। और कांग्रेस कहा जा रहा है कि उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, क्योंकि एक सीट पर कुछ होने वाला है नहीं, इतनी संख्या है नहीं कि मुकाबले में भी आए, तो बेवजह बेकार क्यों चुनाव लड़े। इसलिए वॉकओवर बीजेपी को दिया जाएगा। मगर बीजेपी में कौन, सबसे पहले नाम चला राजेंद्र राठौड़ का, लेकिन बीजेपी के सूत्रों के तरफ से कहा जा रहा है कि राजेंद्र राठौड़ जो हैं वो राज्यसभा में नहीं भेजे जाएंगे। अगले साल जो तीन सीटें खाली हो रही हैं उसमें शायद भेजे जाएं, मगर फिलहाल अभी नहीं भेजे जाएंगे। अगर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा नहीं माने तो उनके भाई जगमोहन मीणा, जो आज मीणा हाईकोर्ट नांगल प्यारीवास में सारे कार्यक्रम को आयोजित किए थे, जो दौसा से भी चुनाव लड़ सकते हैं या देवली उनियारा से भी लड़ सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है, और अपनी राजनीतिक यात्राएं शुरू भी कर दी। हालांकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि लक्ष्मण जैसा मेरा भाई, मगर इतने सालों में आज तक मैंने भाई के लिए कुछ भी नहीं किया, वही मेरे लिए करता रहा। तो जिस तरह से एक भावुक भाषण भी दिए हैं भाई के लिए, कहा जा रहा है कि जगमोहन मीणा एक राजनीतिक पारी शुरू कर सकते हैं। अगर बीच का समझौता हुआ तो हो सकता है कि राज्यसभा में ये भी जाएं, मगर सबसे ज़्यादा प्रबल जो संभावना जताई जा रही थी वो जताई जा रही थी सतीश पूनिया को लेकर। कहा जा रहा था कि सतीश पूनिया हरियाणा के प्रभारी हैं, और अभी जाट अगर राज्यसभा में भेजा जाएगा तो हरियाणा चुनाव में भी ज़्यादा महत्व इसका होगा और वहाँ एक संदेश जाएगा। और राजस्थान में भी जाट थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, तो उनके घाव पर मरहम लगेगा। मगर इस बीच ज्योति मिर्धा की मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। कहा जा रहा था खींवसर का उपचुनाव जो है वो ज्योति मिर्धा लड़ सकती हैं, मगर जिस तरह से अब ज्योति मिर्धा की मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कल हुई है आज हुई है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ज्योति मिर्धा भी राज्यसभा जा सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मिलने के लिए बुलाए हैं तो क्या पता बीजेपी में कोई बड़ा रोल उन्हें दिया जाए या राज्यसभा भेजा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर मिलने के लिए बुलाते हैं तो कोई ना कोई वजह इसकी होती है। इसीलिए ज्योति मिर्धा को लेकर भी चर्चाएँ खूब हो रही है, मगर कुछ भी कहा नहीं जा सकता बीजेपी में। याद है ना मदन राठौड़ का कैसे नाम आ गया था राज्यसभा के लिए, और याद होगा ही कि पार्टी के अध्यक्ष के लिए कैसे इनका नाम आ गया था। तो बीजेपी में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में गहमा गहमी है। मदन राठौड़ भी जेपी नड्डा से मिले हैं और दिल्ली में बाकी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, मगर कांग्रेस में सन्नाटा है।